हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। रियलमी नार्जो हो, रियलमी 30 हो, रियलमी 6 हो, रियलमी का कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपके पास है और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे इस प्रकार लॉक हो चुका है, पासवर्ड लॉक, तो आप उस पासवर्ड को रिमूव कैसे करोगे अगर आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हो तो? तो फ्रेंड, आप इस सिचुएशन में डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाओगे या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाओगे। दोनों जगह आपसे आपका पैसा लिया जाएगा, आपका समय लिया जाएगा और फ़ोन अनलॉक करके दे देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है फ्रेंड कि हमारे फ़ोन के अंदर जो भी डाटा होता है वो डाटा टोटल का टोटल सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने अपना फ़ोन को अनलॉक कराने के लिए पैसा दिया, समय दिया, फिर भी हमारा डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए। आपको इस प्रोसेस में लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, आप अपने मोबाइल से ही अपना रियलमी मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के अलावा कोई भी एक ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो सिवाय इमरजेंसी कॉल के। तो आपको फ्रेंड इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है, यहीं से आपको अपना फ़ोन अनलॉक करना है। तो आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो एक डायलेट जो आपके सामने खुला, इस डायलेट में *#899 और हैज पे क्लिक कीजिएगा। जब *#899 हैज पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे फ्रेंड कि आपके सामने एक पेज खुला है, जिस पेज का नाम यहाँ हेडिंग में साफ साफ हेडलाइन में लिखा हुआ इंजीनियर मोड। लेकिन फ्रेंड इस इंजीनियर मोड में आप ये भी देख सकते हो कि कितना सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप इस ऑप्शन को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, आपको चौथा नंबर के नीचे जो पाँचवा नंबर ऑप्शन है मैनुअल टेस्ट के नीचे सॉफ्टवेयर वर्जन का, उस सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे पांचवा नंबर ऑप्शन पे। और सेकेंड नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ है 11। आपके रियलमी मोबाइल में कितना भी लिखा हो 10, 9, 6, 1, 2, 3 या 11, 12, आप उतना टाइम वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो हम 11 टाइम क्लिक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। 11 टाइम कॉल करने के बाद फ्रेंड इस पेज से हम लोग वापस चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्क कंप्लीट हुआ। उसके बाद पांचवा नंबर के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा मैनुअल टेस्ट, आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट पेज छोड़ दीजिएगा, सेकंड पेज पे आइएगा जो कि है डिवाइस डबिंग का। डिवाइस डबिंग पे आने के बाद आप जायरोस्कोप पे ध्यान दीजिएगा जो कि जी सेंसर के नीचे है जायरोस्कोप, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और सेकेंड नंबर ऑप्शन जो जायरोस्कोप का खुला है, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है फ्रेंड और यहाँ पे आपको पास लाना है। अगर यहाँ पे आपका फेल आया तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मेरा पास आता है या फेल। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा एक ही बार में पास आया है और इसी पास की आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक ये पास ना दिखे तब तक आपको यहाँ से इस पेज से जाना नहीं है। तो अब हम इसको बैक कर लेते हैं। तीन नंबर ऑप्शन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे डाटा डिस्प्ले का, जो कि सर्विस सेंटर वाले डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये तीन नंबर का ऑप्शन जो है डाटा डिस्प्ले का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो रिकवर होते हुए नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड, इसको 30 तक बिना रुके हुए अगर ये इंक्रीज हो गया 30 तक तो आपका डाटा फुल का फुल रिकवर हो जाएगा, जो मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये 30 तक पहुँचने वाला है, 30 प्लस हो चुका है। तो हम इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद इस पेज का काम हुआ ख़त्म। अब हम चलेंगे अपने सेंसर की ओर कि हमारा सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो यहाँ पे जी सेंसर फ्रेंड, हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे। नीचे एम सेंसर भी है लेकिन फ़ोन का जो मेन सेंसर होता है वो जी सेंसर होता है, तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हो अपनी आँखों से कि जी सेंसर का जो तीन एंगल है एक्स वाई जेड, वो तीनों का तीनों रनिंग कर रहा है। इसका मतलब साफ है फ्रेंड कि इसका सेंसर अभी तक एक्टिव है, अगर ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं कर रहा होता। अब हम इसको भी बैक करेंगे। हमारा लास्ट वर्क अब ऊपर आएगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन में, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ अपना स्क्रीन, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा। आपके रियलमी मोबाइल में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबको स्टार्ट कर दीजिए। सब स्टार्ट हो जाएगा तो येलो कलर का हो जाएगा और कोई भी एक पास दिख गया ना फ्रेंड तो आपका फ़ोन अनलॉक होगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा।
तो हम ये दोनों को स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर का तो फेल हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हो अपनी आंखों से, और नीचे का भी फेल हो चुका है। इस सिचुएशन में आपका फ़ोन अनलॉक होने लायक नहीं होगा, तो आप फिर से इसको बैक कर लेना और फिर से यहाँ पे क्लिक करना, फिर से ये दोनों को स्टार्ट कर लेना जब तक एक पास ना दिखे। तो फिर से ऊपर वाला फेल हो चुका है और सेकेंड टाइम में आप देख सकते हो फ्रेंड कि नीचे वाला पास हो चुका है। तो डायरेक्ट होम बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और आप देख सकते हो कि मैंने बोला था कि अगर एक भी पास दिख जाए तो आपका रियलमी फ़ोन अनलॉक, वो भी विदाउट डाटा लॉस। और आप देख सकते हो कि इस फ़ोन का पासवर्ड टूट चुका है और जो डाटा है वो डाटा फुल का फुल सेफ है, जो मोबाइल के लॉक होने के बाद भी था और अनलॉक होने के बाद भी था। ये सर्विस सेंटर वाले नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड, सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं, लेकिन मैंने अपना मेथड से आपको फ़ोन अनलॉक करना सिखाया और डाटा भी सेफ करना सिखाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।